एशिया कप 2018 का रोमांच अपने चरम पर है और अब चार टीमें एशिया कप बादशाह बनने की जंग लड़ रही हैं। आपको बता दें कि ऐसे में रविवार को भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होना है। पाकिस्तान से एक बार फिर टीम इंडिया भिड़ने जा रही है। हालांकि एशिया कप में हुए पहले मुकाबले में 19 सितंबर को भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी और उसके बाद बांग्लादेश को 7 विकेट से रौंदा। ऐसे में भारत की इस जीत के बाद टीम इंडिया के पूर्व कप्तान दादा ने अपना बयान दिया है। जी हां, खबरों की माने तो दादा ने कहा कि जिस तरह के फॉर्म में टीम इंडिया खेल रही है उससे ये बात तो तय है कि टीम इंडिया पाकिस्तान को एक बार फिर रविवार को मात देगी। दादा ने कहा कि पाकिस्तान की टीम में वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है और उनकी बल्लेबाजी काफी खराब रही है। ऐसे में पाकिस्तान की जीत लगभग लगभग असंभव है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दादा के इस बयान से पाकिस्तानी टीम की क्या प्रतिक्रिया आती है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।